प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रांगण में स्टार्टअप संगम 2024 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उन छात्रों को आर्थिक और कार्य संबंधित सहायता देकर उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़कर सफल होने के गुण दिए गए जिनमें उनका विकास हो सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मिलने वाले आर्थिक सहायता को उन लोगों तक पहुंचना है जिनको इसकी आवश्यकता है। इस पूरे कार्यक्रम में न केवल लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी बल्कि लाभार्थियों को बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग के गुण भी सिखाए जाएंगे। इस विषय में जानकारी देते हुए प्रोफेसर रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार के 12 और उत्तर प्रदेश सरकार के 20 रोजगार कार्यक्रमों को इस संगम के तहत विकसित करने का काम किया जा रहा है और आगे भी कई और रोजगार के अवसर को शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस कार्यक्रम के हिस्सेदार बनने वाले लोगों को न केवल आर्थिक सहायता दी जाएगी बल्कि लाभार्थियों को बिजनेस डेवलपमेंट के लिए फैक्ट्री के लिए जगह और मशीनी सहायता दी जाएगी। आज का जो ये मीट हो रहा है, इस मीट के पीछे क्या उद्देश्य है और इसका क्या आगे असर पड़ेगा? ये जो हमारा मीट है MNIT स्टार्टअप संगम 2024, ये हमारे प्रयागराज में नवाचार, उद्यमशीलता और उत्कृष्टता का महाकुंभ है। इसमें बेसिकली हमारे यहाँ MNIT में, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब MNIT फाउंडेशन की स्थापना पिछले वर्ष की गई है, जिसमें हम लोगों का उद्देश्य है कि नवाचार और उद्यमिता, नई सोच और स्टार्टअप्स के लिए एक हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें छात्रों का, उद्यमियों का, उद्योग विशेषज्ञों का, शिक्षा विशेषज्ञों का और निवेशकों का ये बेसिकली संगम है। इसलिए इसको हम लोगों ने MNIT स्टार्टअप संगम 2024 नाम दिया है। जो अपने देश में इस समय स्टार्टअप्स की बड़ी अच्छी स्थिति, हम विश्व में तीसरे नंबर पर हैं स्टार्टअप्स में, लेकिन जो चैलेंज है वर्तमान में बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, इन शहरों में तो स्टार्टअप्स में टीयर वन सिटीज़ में तो उतना चैलेंज नहीं है, लेकिन प्रयागराज क्योंकि टीयर टू सिटीज़ में आता है, इसमें इन सब लोगों का संगम कराना, इन लोगों को आपस में मिलवाना, एक मंच प्रदान करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस पे हम लोग मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब फाउंडेशन के बैनर तले काम कर रहे हैं। सर, इसमें पीछे जो मूल उद्देश्य है, उसमें किस तरह से लोगों, बच्चों को या उद्यमियों को सहायता मिलेगी? जैसे हम लोगों ने एक तो स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं, हमको उनको सीड मनी दे के उनको बैठने के लिए जगह दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं अपने स्टार्टअप्स, जो हमारा इंक्यूबेशन हब है, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब फाउंडेशन है, बैठने के लिए और उनको आर्थिक रूप से भी सीड मनी दे के सहायता कर रहे हैं कि जिससे कि वो अपने जो भी उनकी विचार हैं, नए विचार हैं, जो भी उनके आइडिया हैं, उसको इनोवेशन को वो कन्वर्ट कर सके प्रोडक्ट में। जो फंड्स कहाँ से जनरेट होंगे? ये हमको शुरू में तो DST से फंड मिला हुआ है, ITBI से, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन हब के लिए हमको फंडिंग मिली हुई DST, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली से, और UP स्टार्टअप से भी इसके लिए हमको सहायता मिल रही है। तो 12 स्टार्टअप्स जो हम लोग अभी जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, 12 स्टार्टअप्स तो DST से हैं और करीब 20 के करीब संख्या UP स्टार्टअप से है। सर, आपका? मैं प्रोफेसर रवि प्रकाश तिवारी, मैं यहाँ मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट में हूँ और इस इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन हब फाउंडेशन MNIT का डायरेक्टर हूँ।